गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पाठ एक देश की माटी का अभ्यास पेज नंबर 4 करेंगे। पेज नंबर 4 पर सबसे ऊपर भाग ग में दिया गया है देश के घर के भाई बहन। पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच योजक चिन्ह है जो योजक चिन्ह कहलाता है। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखें। यहाँ पर ये ध्यान से देखेंगे, जो ये एक छोटी सी लाइन है दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो ऐसे ही शब्द लिखने हैं जिनके बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है तन मन, दाल रोटी, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, कागज़ कलम, शिव पार्वती और रात दिन। आप भी ऐसे ही और भी उदाहरण लिख सकते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद भाग घ में ठंडा जल दो शब्द हैं। ठंडा जल, ये दो शब्द हैं। इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि विशेषता बता रहे हैं, तो इनके लिए हमें संज्ञा शब्द लिखने हैं। और आपको याद होगा कि विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। यानी कि इधर विशेषण शब्द दिए गए हैं और इधर हमें संज्ञा शब्द लिखने हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ठंडा जल, हरे भरे जंगल, हरे भरे जंगल, मीठा फल, मीठा फल। यहाँ पर आप दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मीठा जल, मीठा दूध, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, सुंदर घर, सुंदर घर, छोटे पौधे। इन सभी शब्दों के लिए हमें और भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, कविता से आगे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं और आपसे आपकी जानकारी मांगी गई है। जैसे मेरे देश का नाम डैश है, तो मेरे देश का नाम क्या है? भारत। हम क्या लिखेंगे? मेरे देश का नाम भारत है। आगे है मेरे राज्य का नाम, राज्य कौन सा है? हरियाणा। मेरे राज्य का नाम हरियाणा है, मेरे राज्य का नाम हरियाणा है। मेरे ज़िले का नाम सोनीपत है। यहाँ पर मैंने अपने ज़िले का नाम लिखा है, और आप दूसरे ज़िले से हैं तो आप यहाँ पर अपने ज़िले का नाम बताइए। मेरे ज़िले का नाम सोनीपत है। मेरे गांव का नाम जटोला है, मेरे गांव का नाम जटोला है। और मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला जटोला है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला जटोला है। यहाँ पर आप राजकीय प्राथमिक पाठशाला तक ऐसे के ऐसे लिख के आगे अपने गांव का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपका स्कूल है। तो यहाँ पर आज हमारा पाठ 1 का अभ्यास पूरा होता है।